हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह के 7 बज चुके हैं और मैं सो के जग चुका हूँ। तो गाइज मैं फिलहाल ब्रश कर रहा हूँ। तो गाइस, अभी मुझे नहाना है और मैं चल के गीजर स्टार्ट करता हूँ। पानी बहुत ठंड है। तो गाइज मैंने गीजर स्टार्ट कर दिया है, अब मैं नहाऊंगा। जैसे आप देख रहे हो, मैं नहा धो के रेडी हो चुका हूँ और फिलहाल मैं ब्रेकफास्ट करूँगा। तो यह है मेरा ब्रेकफास्ट। आज के ब्रेकफास्ट में स्प्राउट है, बनाना है और चाय है। तो गाइज मैं आ गया हूँ पार्किंग में। यहाँ मेरी दोनों बाइक खड़ी हैं और फिलहाल मैं पीछे वाली बाइक स्प्लेंडर को लेके जाऊंगा। एक क्लाइंट आया हुआ है, मुझे उनसे मिलना है, तो मैं यहाँ से निकलता हूँ। तो गाइस, जो क्लाइंट मेरे पास आए थे, जिनसे मेरी मीटिंग थी, वो मिल के जा चुके हैं और फिलहाल मैं आ चुका हूँ संजय के पास। ऑफिस में आ चुका हूँ, दिखाता हूँ मैं कौन कौन है यहाँ पे। एक तो सुमित मुझे दिख रहा है, ये देखो गाइस, ये दरवाजा धक्का मार के खड़ा है। दरवाजा खोलो, देखो इसको शर्म आ रही है एक्चुअली, ये दरवाजा पकड़ के खड़ा है, खोल नहीं रहा बिल्कुल भी। टूट जाएगा। ये देखो गाइस, ये हमारा सुमित ठाकुर है, शायद दिख रहा होगा आप लोगों को थोड़ा बहुत। ये रहा, ये सुमित है और ये दरवाजा पकड़ के खड़ा है। खोलिए सुमित जी। तो गाइस ये सुमित है, देखो ये छुप रहा है, अभी भी छुप रहा है। ये सुमित है ये वीडियो बनाने आए हो। ये सुमित है गाइस, देखो ये छुप रहा है। और सुमित के बारे में बता दो, मेरे फर्स्ट ब्लॉग में आया है, इसका इंट्रोडक्शन मैं दे दूँ तो ये मेरा भाई लगता है। सुमित, तुम कुछ बोलना चाहोगे मेरे ब्लॉग में? मैं बोल रहा हूँ आपके ब्लॉग में क्या बोलना चाहूंगा, आप बना रहे हैं बहुत अच्छी बात है, अच्छा, और आप ऐसे ही तरक्की करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई को। और अमर भाई है क्या तेरे? हम भी हैं इधर। आ जाओ जाओ, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। और एक्चुअली मैं आया था संजय के पास काम से, हम्म, तो उसने नया फोन लिया है, अच्छा, 9 Pro Max लिया है आपका, OnePlus का। अच्छा, तो मैं वही चीज सब दिखा रहा था, बोल रहा था, जो पाठक जी ने भी फोन ले रखा है, तो पाठक जी से कुछ क्वारी जो है उनके उसके बारे में जानना है। हम्म, फोन कर लो, पाठक जी से क्या बात है, नहीं है, कुछ अच्छे से कीजिए कर लो। और आप कहाँ घूम रहे हैं? मैं एक क्लाइंट के साथ था और क्लाइंट से मीटिंग करने के बाद मैं सीधा यहाँ आया हूँ, क्योंकि मुझे संजय से कुछ काम था, मिलना था। संजय ने बुलाया भी था मुझे, बोला था कि भाई फोन वोन लेना है, कुछ सजेशन लेना, आ जाओ, इसीलिए मैं आया हूँ। ये धर्मवीर है, हाय हेलो। क्या हाल चाल? बस बढ़िया है, मैं भी संजय प्रॉपर्टीज पे आया हूँ चाबी लेने के लिए। अच्छा, एक्चुअली एक फ्लैट का जानकारी लेना है कि वो फ्लैट हो चुका है या नहीं हुआ है, तो मुझे चाबी के लिए आया हूँ। अरे, जैसे कि आप देख रहे हो, हम सारे यहाँ पे बैठे हुए हैं और फिलहाल संजय आ रहे हैं। संजय आकर के हम लोग को फोन लिया है, फोन का पार्टी देगा। क्या? पार्टी पार्टी आपको कुछ नहीं दे रहा हो? अच्छा, हाँ क्यों नहीं देगा? भाई 100 लीटर मरा होगा तो 1 लीटर वो आया होगा। संजय की ऑनलाइन बदनामी हो रही है कैमरे में। संजय ब्लॉग देखेगा, बोलेगा ये लोग हमारा बेइज्जती कर रहे हैं ब्लॉग के अंदर। तो यार, अभी शाम के 3 बजे हैं, फिलहाल लंच नहीं किया हूँ, बस चाय पी रहा हूँ, क्योंकि लंच करने का ही मौका नहीं मिला है। अभी देखता हूँ, आज का लंच स्किप हो गया है, फिर लंच करूँगा, फिलहाल चाय पीते हैं। तो गाइस, मैं अभी घर आ चुका हूँ और आज मैंने लंच किया नहीं था, अभी शाम के 7 बज रहे हैं, तो अभी मैं सोचा कुछ घर जाके खा लूँ, तो फिलहाल मैं घर पे खाना खाने आया हूँ। और खाने में दाल चावल है। तो गाइस, मैं आपको बता दूँ, फिलहाल मैं मंदिर जा रहा हूँ, अभी शाम के 8 बज रहे हैं और मैं जा रहा हूँ मंदिर दर्शन करने। मेरे साथ बुआ का भी है, हम दोनों मंदिर जा रहे हैं दर्शन करने। तो गाइज, फिलहाल मैं मंदिर पहुंच चुका हूं, अभी अंदर चल के दिखाता हूं। तो गाइज, जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं मंदिर में हूं। ये माता जी का मंदिर है जो साकेत आपका PVR के पास है, तो आप लोग दर्शन कर लीजिए। जय माता जी। तो गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैं फिलहाल मंदिर में हूँ और मैं यहाँ दर्शन कर चुका हूँ, अब मैं फिलहाल यहाँ से निकलता हूँ। तो गाइस, मैं आपको बता दूँ, फिलहाल मैं PVR पे हूँ और ये PVR दोबारा से ओपन हो चुका है। जब पिछले बार हम आए थे तो PVR बंद था, और दोबारा से ओपन हो चुका है। अभी इसके थिएटर स्टार्ट हो चुके हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर कितना बढ़िया नज़ारा है, लोग शाम को घूमने आते हैं और यहाँ बहुत मज़ा आता है क्योंकि घूमने के लिए, और यहाँ पर सारे रेस्टोरेंट है, सब कुछ है। तो अगर आसपास में रहते हो आप, तो आप भी साकेत PVR शाम को आ सकते हो।
तो जैसे कि आप देख पा रहे हो मैं फ़िलहाल PVR पे हूँ, ये यहाँ का नज़ारा है। तो गाइज मैं फ़िलहाल PVR से निकल रहा हूँ और अभी निकलता हूँ, कुछ मुझे मार्केट में सामान लेना है। आप बने रहिए ब्लॉग में। यहाँ से मैं गाइज मूंग और चना लेके जाऊँगा अभी। तो गाइज मैं इनके यहाँ से सामान लेता हूँ और मैं चना हमेशा यहीं से लेता हूँ और बहुत ही अच्छे क्वालिटी का चना देते हैं। पंडित जी जो आप ये चना मंगवाते हो कहाँ से मंगवाते हो? चना आपका बहुत बढ़िया होता है, हमारे गांव यूपी में खेतों से आता है। अच्छा, बहुत ही VIP चना है, यहाँ से घोड़े के लिए जाता है, बैल के लिए जाता है, बहुत सारे लोग यहाँ से प्रसिद्ध हमारे चना ये नेपसराय में। तो साबुत मूंग भी साथ में है। तो गाइस ये पंडित जी का चना है जो कि बहुत ही अच्छे क्वालिटी का होता है, क्योंकि मैं चना हमेशा खाता हूँ मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में और मैं इनके यहाँ से ही लेता हूँ। तो गाइस फिलहाल मैं मूंग और चना ले चुका हूँ और मैं यहाँ से निकलता हूँ। तो गाइस आज है फ्राइडे और यहाँ पे फ्राइडे मार्केट लगता है, तो फिलहाल मुझे भिंडी लेना है, घर के लिए भिंडी लेके जाना है। यहाँ पे भिंडी लेता हूँ, आधे किलो भिंडी दे दो आप। गाइस फिलहाल मैं हूँ मार्केट में और यहाँ देखो कितनी भीड़ हो रही है। लो भैया, गाइस मैंने नींबू लिया यहाँ से। कैसे दे रही है? नींबू दे दो, नींबू दे रहा नींबू। तो गाइस मैं फिलहाल घर आ गया हूँ और मैंने देखा बहुत सारा कूड़ा पड़ा हुआ है घर पे, तो मैंने पता किया तो पता चला कि कूड़ा वाला 3-4 दिन से नहीं आ रहा है, तो अब मैं खुद ही कूड़ा फेंकने जा रहा हूँ। ये रहा कूड़ा, बहुत सारा कूड़ा है इसमें, इस बैग में, और मैं इसको फेंकने जा रहा हूँ। तो गाइस फिलहाल मैं रोड पर आ गया हूँ, यहाँ पर कूड़ा घर है तो मैं आप कूड़ा फेंक रहा हूँ। तो गाइस रात के 1 बज चुके हैं और मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी थी, मैंने अपने लिए मैगी बनवाया है और मैं अभी मैगी खाऊंगा, उसके बाद वीडियो एडिट करूंगा, फिर मैं सो जाऊंगा। तो गाइज ये है मेरा मस्त मैगी जो मैंने खुद बनाया अभी। तो फाइनली गाइज वीडियो एडिटिंग कंप्लीट हो चुकी है और मैं लैपटॉप को कर देता हूँ बंद। तो अभी रात के 3 बज चुके हैं और मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है, तो आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक लिए गुड नाइट, शुभरात्रि।